आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चार टेस्ट मैच की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की निगाहें 3 वनडे मैचों की सीरीज पर होगी। 3 वनडे मैचों की ये सीरीज 12 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला वनडे 12 जनवरी को सुबह 7:50 से खेला जाएगा। इस मुकाबले की मेजबानी सिडनी के SCG मैदान के हाथों में होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वनडे सीरीज का लाइव प्रसारण Sony 6, Sony 10 और Sony LIV ऐप पर होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। सिडनी में खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए इन 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। इन संभावित 12 खिलाड़ियों की लिस्ट इस प्रकार है: विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, केदार जादव, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद। इन 4 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 12 जनवरी को खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में फॉर्म से बाहर चल रहे लोकेश राहुल को जगह मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लोकेश राहुल के अलावा दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे बाहर बैठाया जा सकता है।